एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के सभागार में बैठक कर जनपद के ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए जनपद के सभी सीएचसी पीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया था, जिसको देखते हुए जनपद में 9 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया गया है तथा जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उसको उसी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा शेष जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके संबंध में अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा तो और कहीं नई जगह कोई प्लांट जा रहा है तो नई जगह सर वही सजाना आएगा सेंटर हम पाइपलाइन का कार्य हो गया है। पाइपलाइन का सर नहीं हुआ है, जो है हम लोग 333 एलपीएम का टेंडर किए हैं तो उसके लिए हम प्लेटफॉर्म बनवा लेंगे। तो सहजनवा में भी सब प्लेट अच्छा है तो दो तरह से ही सहजनवा में आ जाता हाँ तो हमारा झंझट खत्म होता। तो कौन बात कर रहा है? वही हरी शिवपुरी जो है नेता मंत्री है ना, और सारी लोग शिवपुरी कौन है तो वहाँ से दूसरे से बोला था कि आपको हम प्लांट दे रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त खाली वही 100 वाली की है, 100 बेड की, 200 का दे रहे हैं, 300 का, 250 का दे रहे हैं। तो कहें हम लेकिन हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 बेड होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ तो मिनिमम सबसे कम का जो है 160 है और बाकी सब 400-500 के हैं, तो हम तो ज़्यादा खरीद रहे हैं इसलिए हमारे पास मिला हुआ है। तो कहें वो हमारे बोर्ड में नेगोशिएशन में चल रहा है, तो अगर इस दौरान में अगर वो बात हो जाती है तो मैं ये टेंडर कैंसिल करूँ सर। अगर कहीं से मिल जाएगा तो हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। एक बेलघाट की तो बेलघाट में आप पाइपलाइन का काम को और प्लेटफॉर्म बनवा दीजिए। प्लेटफॉर्म तो नहीं करवाई, पाइपलाइन सिलेंडर से भी पाइपलाइन का पाइपलाइन भी आप डिमांड कर ले। मैं सीधे सर से बात करूँ, संत प्रसाद जी से पैसा मांग ले हम लोग। हरनही में किसने पैसा दिया है? संत प्रसाद जी ने। तो बेलघाट में भी उनसे पाइपलाइन का कितना खर्च करें? 20 लाख रुपये है। और एक हमारा ये जो है पिपराइच, ये बहुत बढ़िया सेंटर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। नहीं इनको सुबह दौड़ाइए और ये थोड़ा सा डांट डपट करना सीखे भाई, नहीं तो सर ऑक्सीजन प्लांट के लिए हाँ तीसरी वेव्स को देखते हुए हम जो सरकार की तैयारियां हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तहत सरकार ने डिफरेंट जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया है। हमारे ज़िले में 9 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होकर के फंक्शनल हो गए हैं। जो पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनको उसी प्लांट से ऑक्सीजन दी जा रही है और बाकी शेष हमारे 7 प्लांट जो हैं वो फंक्शनल होने के कगार पर है। तो उसी की हम एडीएम प्रशासन में एडीएम बिग साहब आए हुए थे, एसी साहब, और हम बैठक कर रहे थे जिसमें छोटी छोटी जो भी कमियां हैं उसको जल्दी से दूर कर लिया जाए और जो भी 7 फंक्शनल अभी काम चल रहा है उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए।